विगत दिनों योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज असम के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने असम के लोगों को योग शिविर के माध्यम से योग की दीक्षा दी। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में जाकर लोगों का मार्गदर्शन किया। इस कड़ी में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज 23 नवंबर को कोकराझार में पतंजलि योग समिति के भवन का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां पर स्वामी जी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सर्वप्रथम हवन यज्ञ किया गया। तत्पश्चात स्वामी जी एवं आचार्य जी महाराज ने अपने कर कमलों से पतंजलि योग समिति के भवन का उद्घाटन किया एवं कार्यकर्ताओं को आशीर्वचन दिए। 24 नवंबर को योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पहुंचे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड तेजपुर। जहां पर उन्होंने हवन यज्ञ किया एवं बिस्कुट यूनिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात स्वामी जी महाराज ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड तेजपुर की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात स्वामी जी महाराज एवं आचार्य जी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पतंजलि की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। ये पतंजलि की बिस्किट यूनिट है और अत्याधुनिक यूनिट है, जिसका आज विधिवत रूप से यहाँ तेजपुर में उद्घाटन हो रहा है। अपनी 100 टन की भगवानपुर में ऑलरेडी कैपेसिटी है, और जहाँ से अपना बिस्किट शुरू किया था कोलकाता में, वो भी सब पतंजलि की यूनिट है। वहाँ पर भी अपना 200 टन की प्रतिदिन की कैपेसिटी है। तो अलग अलग स्थानों पर ये पतंजलि के बिस्किट की इकाइयाँ शुरू कर दी हैं। लक्ष्य है हमारा लगभग हर दिन का 2 से 3 हज़ार टन प्रतिदिन का हम लक्ष्य पहुंच जाएंगे करीब 1.5 से 2 साल के अंदर। तो ये इस समय जो लेटेस्ट प्लांट है, माने स्वच्छता की दृष्टि से भी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो है वहाँ पर हाइजीन, तो पूरा हाइजीन मेंटेन करते हुए, क्योंकि आप शायद आप में से कोई बिस्किट की फैक्ट्री में पता नहीं कोई गया है या नहीं गया है, बिस्किट की फैक्ट्रियाँ देखेंगे तो ये लोहे लक्कड़ ऐसे जंग लगे हुए आपको दिखाई देंगे। कहीं पर जो है कहीं पर धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर कोई लीकेज हो रहा है, कहीं पर मक्खियाँ घूम रही हैं। यहाँ एक भी मक्खी मच्छर किसी तरह का कोई जीव जंतु वो प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी चारों तरफ से खिड़कियाँ, इसके दरवाजे, मतलब 100% माने इसमें किसी भी तरह का कोई मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, आप देख रहे हैं। जब आप इसके अंत में चले जाएंगे तो पीछे तक देखेंगे तो पीछे तक ये 1200 फीट के ऊपर इतना लंबा प्लांट रहेगा। और इसमें यहाँ पीछे से आटा और इसके लिए जो गाय का देसी घी और ये सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल है पूरा का पूरा, वो यहाँ पीछे से लेकर के और यहाँ डालने के बाद में इसके बनने से लेकर के इसका पूरा का पूरा पीछे स्टोरेज तक 1200 फीट का लंबा एक प्लांट है। और प्रत्येक चीज़ में हाइजीन को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। हमारे बिस्किट के इंडस्ट्री में बहुत पुराने हमारे मणिराज जी वो इसको हेड करते हैं, और जो भी बिस्किट की इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स हैं उन सब के साथ आप सारा प्लांट इधर से बाई तरफ से देखिए। इसको आटे को कैसे गूंथते हैं, ये मिक्सी होने के बाद यहाँ पे 2 फीडिंग के लिए लाया जाता है। यहाँ से इसका मोल्डिंग सेक्शन में जाता है जिसमें शेप इसकी तैयार होती है। इसमें तो चिकना चिकना लग रहा है, इसमें सब तैयार मिश्रण है, फ्लेवर आटा ये सब तैयार है। इसमें सारी चीज़ें जो उसके टेस्ट से लेकर के जो भी उसके लिए ज़रूरी तत्व पूरे के पूरे हैं।
पूरी कटिंग होकर के, ये बिस्किट जैसे पहले आटा गूंदा हुआ आपने देखा, ऐसे कटिंग होकर के आ गया, दूध बिस्किट लग रहा है। दूध बिस्किट हमारा, ये दूध बिस्किट है, इसमें गाय के दूध का पाउडर भी है। ये 250 फीट का ओवन है, इसमें से धीरे 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 जा कर के एक बार के लोट को पकने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट में ये बिस्किट तैयार होकर के सामने निकल जाएगा। मैं आपको दिखाई, पूरी लाइन आपने पहले देखी थी 10 मिनट के अंदर अंदर, और ये पूरा विधिवत चालू हो गया है। यदि ये ज़्यादा सिक जाए तो काला पड़ जाएगा, कम सिके तो कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको ऑटोमेटिक पूरा प्लांट है, तो इसको एक कंट्रोल फिट दी जाती है जिससे कि इसका ठीक से पाक हो। और जितनी देरी अंदर है उससे ज़्यादा देर आगे लंबी पट्टी आप उधर तक देख सकते हैं, ये 1.5 किलो टाइम इसको ठंडा होने के लिए मिलता है। फिर आगे ऑटोमेटिक इसकी पैकिंग मशीन है, वहाँ से पैक होकर के फिर आपको ये पतंजलि दूध बिस्किट खाने को मिलता है, वो आपको पूरा दिखाते हैं। करके पूरी यात्रा करके बिस्किट यहाँ तक आ चुका है, और यहाँ से आगे अब ये पैक होने के लिए जा रहा है ठंडा होने के बाद। ये मेटल डिटेक्टर है, इतनी बड़ी मशीन है, इसमें इतने बड़े यंत्र आदि लगे हुए हैं, कोई भी यदि मेटल का पार्ट आ जाएगा तो वो उसको यहीं से ही डिटेक्ट करके यहीं से बाहर निकाल देगा। जैसा है मेटल डिटेक्टर इसके अंदर लगा हुआ है, लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से कोई भी मेटल का पार्टिकल होगा तो उसको अलग कर दिया जाएगा उस बिस्किट को ही। ये बिस्किट बन करके तैयार हो गया, यहाँ थोड़ा मैनुअल प्रेशर था, यहाँ एक एक ऐसे इसके एक ग्रुप उठा करके यहाँ पर रखा जाता है, वहाँ से फिर ये इस लाइन के साथ में यहाँ से आएगा। इसमें कोई यदि टूटा हुआ बिस्किट रह जाता है, एक आधा बिस्किट टूटना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन वो भी यहाँ पर काफ़ी कुछ छट जाता है। यहाँ मैनुअल प्रोसेस में जो कुछ कहीं टूटते हैं तो उसको यहाँ से अलग कर दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये बिस्किट आगे दोनों तरफ से लैमिनेट आता है, बीच में बिस्किट फंस जाता है, फिर दोनों तरफ से इसको ब्रश कर देते हैं, और ये अभी थोड़ा इसको हाथ में लगा रहे तो थोड़ा गर्म गर्म। तो यहाँ पर असम में, तेजपुर में,
यहाँ पर जो बोडो लोग हैं, असमिया भाई हैं हमारे, नेपाली भाई हैं, हिंदी भाषी हैं, बांग्ला भाषी हैं, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर रहता है, उन्हीं में से इन लोगों को लेकर के पतंजलि रोजगार देने का काम करता है। स्वावलंबन से लेकर के, शिक्षा से लेकर के समृद्धि और अपनी संस्कृति को एक बहुआयामी संकल्प के साथ पतंजलि अपने इस स्वदेशी से राष्ट्रीय सेवा के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। ये 10-20 का एक पैक बन करके आ जाता है और फिर उसको इस तरह से पेटी में पैक करके और हम दुकानों तक पहुंचाते हैं और वहां से आपको एक एक पीस करके या पूरा का पूरा ये पैक दुकानदार उपलब्ध कराता है। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और आगे रिटेलिंग तक का प्रोसेस है। इसी तरह से पतंजलि के 1000 से ज़्यादा गुणवत्ता युक्त उत्पाद, हमारा लक्ष्य है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड 100% प्योरिटी के साथ जो भी हमें इससे लाभ प्राप्त होता है उसको हम 100% चैरिटी में लगा। बिस्किट तैयार होने के बाद फिर यहाँ आएगा, ये इसका वेयर हाउस है, अर्थात वहाँ से बिस्किट पूरा तैयार होगा, फिर यहाँ रखा जाएगा और यहाँ जो डेली तैयार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कभी ट्रांसपोर्टेशन आदि की कभी कोई दिक्कत होती है तो 2-3 दिन का माल यहाँ रखने की व्यवस्था रहेगी और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा जिससे कि फ्रेश प्रोडक्शन, एकदम ताज़ा खाद्य उत्पाद आप तक हम पहुँचा सकें, उस तरह की पूरी व्यवस्था। यहाँ पर ये केश कांति शैम्पू के पाउच अभी चल रहे हैं। ये वैसे पूरा जो प्लांट है, जो आप पीछे तक देख रहे हो, 200 टन प्रतिदिन की केश कांति शैम्पू और उसके साथ साथ कुछ सेक्शन होगा जिसमें हम क्रीम भी बनाएंगे और करीब 2 करोड़ शैम्पू के पाउच की कैपेसिटी हमने पूरे पतंजलि के अंदर डेवलप की है। चाहे यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं, सारी ऑटोमेटिक पाउच की ही पैकिंग मशीनें हैं, फिर आगे जो है वो बोतल के अंदर और उसकी जो फैमिली पैक है उसकी व्यवस्था है। तो बहुत जल्दी ही अभी इसका आंशिक पार्ट यहाँ पर चालू किया, बाकी हरिद्वार में सारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब अगले साल से माने 2018-19 में ये फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर पूरा प्लांट चलेगा और इससे एक और हम जो शैम्पू बनाने वाली विदेशी कंपनियां हैं उनसे देश को मुक्ति दिला पाएंगे। वहीं असम नॉर्थ ईस्ट के हजारों लोगों को रोजगार और उससे यहां पर स्वावलंबन और समृद्धि की
एक नए अवसर पतंजलि के द्वारा उपलब्ध होंगे। तो कहाँ से बेटा? कहाँ से? एक जिले से, हरिद्वार से ट्रेनिंग लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ पराक्रम में जो अपने ये सुरक्षा के काम में भी ये भी बेटी है, दूसरी वाली बेटी कहाँ से है? वो भी यहीं से, यहीं से असम से, ये उधर खड़ी है। तो ऐसे बेटों को भी माने भाई बहनों में, माने बेटा और बेटियों में, मेल फीमेल में कोई भेदभाव पक्षपात पतंजलि की तरफ से नहीं करते हुए, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहनें भी जो है लगभग लगभग आधी बहनें यहाँ सेवा दे रही हैं, आधे भाई यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, तो सभी को समान रूप से यहाँ पर अवसर उपलब्ध हों, इस तरह की पूरी एक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। तो अभी सारी प्लांट्स कुछ आंशिक रूप से तो चालू हो गए हैं, हाँ अभी पूर्ण रूप से सारे प्लांट्स को चालू होने में और एक दो महीने का वक्त लगेगा। इस मार्च महीने से पहले पहले सारे प्लांट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चालू हो जाएंगे। यहाँ पर सारे हर पर बात सो भी है, केश कांति है, अभी दंत कांति के प्लांट में आपको ले चलेंगे, पावर बीटा भी है, माने फूड और जो है कॉस्मेटिक, हर्बल फूड और हर्बल कॉस्मेटिक के। ये पीछे जो है रॉ मटेरियल है, यहाँ पर जो है फिनिश गुड वाला है, पीछे वाला जो है वो हर्बल बाथ टॉप के लिए है, स्किन केयर के लिए है, और लेफ्ट साइड में जो पूरा फैक्ट्री है ये स्किन केयर का है, अभी वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस समय आपको जो मिल रहे हैं जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो हरिद्वार से मैन्युफैक्चरिंग होकर के मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। यहाँ पर स्किन केयर की बात ही औरल केयर में आपको ले चलते हैं, डेंटल केयर जो अपना दंत कांति जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। यहाँ पर ये दंत कांति का प्रोडक्शन चल रहा है, अभी पूरा प्लांट मैन का सब इंस्टॉलेशन चल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, तो जो पूरा कैपेसिटी चालू होगी तो इसमें ये दंत कांति की 25 लाख ट्यूब प्रतिदिन, 25 लाख ट्यूब प्रतिदिन हम बना पाएंगे। इतनी बड़ी कैपेसिटी का ये एक स्थान पर हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का पहला प्लांट हो। तो अभी दंत कांति की जिस तरह से डिमांड और जिस तरह से लोगों को लाभ हो रहा है, अभी तो चलो हम एक आपको सूचना भी दे देते हैं, नई कैंपेन चालू करने वाले हैं, उनको सैकड़ों लोग मिले पूरे भारत में भ्रमण करते करते कि उन्होंने दंत कांति का इस्तेमाल किया। यहाँ असम नॉर्थ ईस्ट में तो ये समस्या है, पूरे देश में गुटखा खा खा करके जिनके दांत बेकार हो जाते हैं, उनके वो कीड़े सड़े हुए दांत और मसोड़े वो भी दंत कांति से अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों के दांत और मसोड़े गुटखा और पान मसाला आदि खा करके ख़राब हो गए, उससे भी ये मुक्ति दिलाएगा, माने दांतों को भी अच्छा करेगा, मसोड़ों को भी अच्छा करेगा। और इसका प्रयोग कुछ दिन लगातार करने से और थोड़ा प्राणायाम साथ साथ करेंगे तो गुटखा खाने की आदत से भी देश मुक्त होगा। फिनिश गुड के लिए पूरा गोदाम है जिसकी 26,000 टन प्रोडक्शन को हम यहाँ पर रख सकते हैं फिनिश गुड के तौर पर। और अभी कुछ हिस्सा हमने मैंने कहा चालू किया, धीरे धीरे करके फुल फंक्शन में आ जाएगा। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी FMCG फैक्ट्री होगी, जहाँ एक स्थान पर एक साथ हर दिन हजारों टन प्रोडक्शन क्वालिटी
प्रोडक्शन हम देश के लोगों तक उपलब्ध कराएं। परम श्रद्धेय वंदनीय हम सबके लिए जिनकी प्रेरणा, जिनके विषय में संकल्पना मात्र ऊर्जा देती है हमको, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी और यहाँ पर सेवा में कर्म में लगे हुए आप सभी वरिष्ठ कर्मयोगी भाई और सभी सहयोगी भाइयों बहनों, पतंजलि योगपीठ आप सब जानते हैं कि यह कोई ये पतंजलि परिवार, पतंजलि आयुर्वेद, यह कोई व्यवसायिक या किसी भी तरह से जिसको हम एमएनसीज कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जिनको हम औद्योगिक घराने कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद विशुद्ध रूप से स्वदेशी के द्वारा स्वावलंबन उच्च गुणवत्ता युक्त पदार्थों को अल्प मूल्य पर उपलब्ध कराना, उस अल्प मूल्य पर भी जो आए हो उसको 100% समाज और राष्ट्र के कार्यों में अर्पित करना, इस भाव से यह संस्था स्थापित है। उसका मूल उद्देश्य ही है और उसका एक बड़ा स्वरूप सुदूर पूर्वोत्तर का यह केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ है, अभी और भी हो रहा है। तो आप सभी भाई बहन, कई सारे भाई ऐसे हैं जो अभी प्रोजेक्ट के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, बाकी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अभी प्लांट के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, तो यह प्रारंभ है। तो इसी भाव को परिलक्षित करने के लिए कि आपके मन में भी ये भाव आए, जो श्रद्धेय स्वामी जी सोचते हैं, जो उनके मन में संकल्प है, जो उनके मन में भावना है, यदि वही भाव वही संकल्प हमारे मन में आ जाए तो हम और भी गति से, ऊर्जा से, शक्ति से, सामर्थ्य से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया भावों की दुनिया है। हमारी भावनाएं जैसी होती हैं हमको अपनी दुनिया वैसे ही दिखाई देने लगती है। तो आपके भाव में जब ये बात समझ में आ जाए कि आप एक सामान्य संस्थान में सेवा नहीं दे रहे हैं, अभी तो एक ऐसी संस्था में सेवा दे रहे हैं जो हम राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा दायित्व का निर्वहन कर रही है, तो आपके अंदर स्वतः ही गर्व का और स्वाभिमान का भाव प्राप्त होगा। आगे तो हो सकता है कि आपको और कहीं करने का मौका मिल जाए, बहुत सारे क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, परंतु उस कार्य के द्वारा जो समाज के लिए कार्य होगा ये महत्वपूर्ण होता है। तो तुम्हारे कार्य का तुम्हें पारिश्रमिक देते हैं, पुरस्कार देते हैं, या उसका जो भी आपको वेतन मिलता है उसका वह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि बिस्किट का प्लांट आज श्रद्धेय स्वामी जी के हाथों से जो बड़ा प्लांट का अभी उद्घाटन हुआ, तो हम कितना प्रयास करते हैं कि वह शुद्धता से बने, गुणवत्ता युक्त बने और लोगों तक पहुँचे। एक शुद्ध आहार, एक शुद्ध चीज लाभकारी जो गुणकारी है, शरीर और सेहत के लिए जो हमको ठीक रखने में मदद करती है। इस देश के अंदर आज सबसे बड़ी समस्या है, आप सब जानते हैं इस देश के अंदर मिलावटी सामान, मिलावटी सामान से भी जो भयानक जो समस्या है, वो तो नकली सामान वो धड़ल्ले से दिख रहा है, वो किसको किस यहाँ पहुँच पाए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ के आसपास के लोग हो, इस क्षेत्र के लोग हो, सबसे ज़्यादा बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा नकली सामान मिलता है। तो तुम्हारा कितना बड़ा कर्तव्य है, कितना बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है, उस नकली मार्केट को खत्म करने के लिए तुमको भगवान ने एक सिपाही बना कर यहाँ पर भेजा है। एक बार जो तुम्हारे घरों में जा रहा था, जो तुम्हारे बच्चे खा रहे थे, तुम्हारे परिवार वाले जिसका प्रयोग कर रहे थे,
उसको रोकने का काम पतंजलि कर रहे हैं। तुम्हारी घर की चिंता, तुम काम कर तो परिश्रम से भी परिवार पलता है, परंतु परिश्रम से जो तुमको घर में प्रयोग करने का सामान मिले तो नौकरी तो कहीं भी कर लेते, वहाँ से तुमको पैसा मिल जाता, पर सामान नगरी घर घर के आते, खाते थे, बीमार पड़ते, डॉक्टर भी रोक लेते, फिर तुम बर्बाद हो जाते। तो बताओ, उसकी रक्षा कौन करता? उसका दायित्व सिद्ध स्वामी जी ने लिया है, इसलिए इस उम्र को यहाँ पर स्थापित किया। फिर हमारा सवाल, हमको उस भाव को जागृत करना होगा, हमको उस भाव को हमारे अंदर भी धारण करना होगा। पहले उस भाव में हम जीना शुरू कर दें, इसके बाद उस भाव को लोगों तक, दुनिया तक, लोगों के कोने कोने तक पहुँचाने का हमको प्रयास करने चाहिए। और कोई भाव नहीं है हम इतनी दूर आकर के इस तरह के हमने प्रयास किया है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ आप लोग बड़े प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, भावनात्मक रूप से, संवेदनात्मक रूप से, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, आप तो बहुत अच्छे हो, परंतु कोई व्यक्ति आपके कान में कुछ, हिंदू में ना उसका बोलते हैं सिगुफा, थोड़ा सा कान में जा करके कुछ ऐसा छोड़ देता है वायरस, छोड़ते ही आप विचलित हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको मजबूत रहना है। क्योंकि जब आपको पता है कि संस्था का उद्देश्य क्या है, सदैव स्वामी जी का मकसद क्या है, जब तुमको संस्था का उद्देश्य और मकसद का पता है, तो इस तरह की जो नकारात्मकता फैलाने वाले तत्व हैं उसको निपटने के लिए तुम अपने आप में तुमको सक्षम होना होगा। एक एक व्यक्ति वो पतंजलि की सिपाही की तरह से आपको खड़ा होना होगा। तो ये दृढ़ता, ये संकल्पना, यह ऊर्जा, यह शक्ति, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो भाई है, चाहे बहन है, चाहे तुम छोटा से छोटा काम करते हो, चाहे तुम झाड़ू लगाते हो, चाहे तुम पैकिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, चाहे सामान उठाते हो, हर व्यक्ति के अंदर ये भाव जागृत होना चाहिए। इस दृढ़ता के साथ में, इस राष्ट्रवाद की भावना से, एक परिवार तुम्हारा घर वह है जिस घर में तुम रहते हो, जिस घर में तुम पैदा हुए हो, एक घर वह है जहाँ तुम अभी सेवाएं दे रहे हो, ये तुम्हारा परिवार है। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। जिस तरह से घर के लिए आप सोचते हैं कि घर के लिए कोई भी नकारात्मक चीज़ को या कोई भी नुकसान को आप जैसे सहन नहीं करते हैं, ऐसे ही पतंजलि के लिए भी आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, ये मेरा परिवार है, यहाँ की नुकसान, यहाँ की हानि मेरी हानि है, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। स्वाभाविकता है, कुछ कुपुत्र होते हैं अलग बात है, नहीं तो 99.99% दुनिया में यदि किसी के प्रति भी भावना होती है तो उसके लिए सर्वोपरि माँ का स्थान होता है। माँ के प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कोना होता है, हम झगड़े भी माँ से तो भी फिर भी प्रेम माँ से, तो माँ हमारी एक संवेदना की, एक हमारी भावनाओं की प्रतिमूर्ति है। माँ का जो ऋण होता है वह ऐसा ऋण होता है कि उसको हम उससे उऋण नहीं हो सकते हैं। क्यों माँ से हम प्रेम करते हैं? क्योंकि माँ ने जो हमारे लिए कष्ट सहा होता है ना, वो दुनिया में कोई सहन नहीं कर सकता है। वो अपने आप को खपा करके भी, अपने आप को गला करके भी अपने संतान का हित सोचती है, इसीलिए माँ सबसे ज़्यादा पूजनीय है और सम्माननीय है।